औरतों और बच्चों में से जो जुमे के लिए हाजिर ना हो क्या वो भी नहा लें? वगैरहम, और इनके अलावा और लोग भी। वकाल इब्न उमर, इब्न उमर कहते हैं इन्नमल गुस्ल अला मन तजिब अलैहि जुमा। इब्न उमर की राय ये है कि जुमे का गुस्ल उसी पे वाजिब है जो जुमा पढ़ता हो। जो जुमा न पढ़ने जाए, घर में रह रहा है, तो वो अगर गुस्ल नहीं करता तो उसके ऊपर वो पकड़ नहीं है। हर बालिग पर जुमा के लिए जाना जरूरी है, और हर वो शख्स जिस पर जुमा के लिए जाना जरूरी है उस पर गुसल है, यानी उसको लाजमी गुसल करना चाहिए, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो। आपने फरमाया जुमा हर मुसलमान पर जमात के साथ लाजिम है सिवाय चार तरह के लोगों के, गुलाम, ममलूक, औरत, बच्चा या मरीज। औरतों के मखसूस हालात की वजह से उन पर फर्ज नहीं किया, लेकिन अगर अपने च्वाइस से वो पढ़े तो अच्छी बात है। तो आप अपना स्केड्यूल इस तरह बनाए ना कि जैसे अगर आप हर रोज नहाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं तो आप फिर इस तरह स्केड्यूल करें कि जैसे आप मंडे को नहाए, फिर वेंसडे को नहाए, फिर जुमे को नहाए, फिर आप सैटरडे संडे अगर नहीं भी नहाते फिर मंडे, तो इस तरह आप जुमे को मिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि जुमेरात को नहा के जुमा को छोड़ दिया, या जुमा छोड़ के हफ्ते को नहाए, ऐसा नहीं करना चाहिए।